जनकपुर नर्सिंग कैंपस में कोरोना के उपचार के लिए अस्पताल निर्देशन एहिठाम बनाल जा रहा है। तहि के लक स्थानीय वासी सब विरोध कयने छलखिन हैं। एकर सेटअप देखियो, के छथिन एहिठुन अखन डॉक्टर साहब छथिन कोनो कथी बनि रहल छै कनि कहितै ने। चलू भीतर चलू। अस्पताल बनि रहल छै कोरोना के उपचार के संदर्भ में सब काज कर रहल छथि। कथी सब करा रहल छियै, कथी सब करा के छै अखन? देवाल सब फोड़ै छियै, पाइप ट्यूब सब बिछावे पड़तै, बहुते काम छै। कै टा रूम में करा के छै? अभी तऽ रूम में आगे सबे करा के छै, मतलब नीचा के आ ऊपर के छै, चार पाँच गो छै। पाँच के ना, एक चार पाँच पंद्रह रूम छे में। अहाँ कथी करब कहने? हमरा सब ई फोरन माने है। हां हां, फोर पार के पाइप ऊपर छ देता। कथी नाम भेले अहाँ के? हमर फेफू मंडल भेले। ए ठीक जी, ठीक ठीक। सब आइसोलेशन के उपचार करे के लिए बात भेले, लेकिन पछा में बस्ती सब छै, घर सब छै, तै लक ठाक के हिनका सब के विरोध छै स्थानीय वासी सब के, जे एठो नै होबक चाही। की नाम भेले अपने के? मनोज कुमार झा। कतौ घर भेले? घर छै देवी चौक वार्ड नंबर 10 में, नर्सिंग कैंपस के बगल में। कथी ले अपने से पत्रकार सम्मेलन के लिए? हम सब के लिए जे नर्सिंग के जे आइसोलेशन वार्ड एकदम बना रहल छै, है ना, एकर जनता में नकारात्मक असर पड़ रहल छै, पड़तै एसी से, है ना, एहिठाम घना बस्ती छै, बीच में घना बस्ती में एकर इफेक्ट पड़तै, तै के लेल हमसब जे छै सब विरोध कर रहल छी, महल्लावासी वार्डवासी सम्पूर्ण जे छै से मिलकर। डॉक्टरों साहब सबके रिक्वेस्ट के लिए एहिठमन जे छै कथी भऽ की रहल छै एहिठमन से? एहिसब आइसोलेशन वार्ड बना रहल छथिन, है न, कत नर्सिंग कैंपस में। नर्सिंग कैंपस में आइसोलेशन वार्ड कोरोना के लिए बना रहल छै की प्रदेश अस्पताल? प्रदेश अस्पताल। तऽ एहिमे अपने सबके की कहब? हमर सबके कहब छलै जे ई घना बस्ती से हटा कऽ दूर के बस्ती में जहाँ घर द्वार नहीं छै, जेना सिक्स लाइन के बगल में एकटा इंजीनियरिंग कॉलेज छै अर्जुन सिंह के, ओहिठाम दितथिन, मणिपाल लग दितथिन, जेठम अगल बगल में घर नहीं छै, कनी दूरी पर छै घर द्वार जे छै से, लेकिन एहिठाम तऽ घरे पर घर छै, पूरा बस्ती जे छै से भरल छै एक लाइन से बस घर जे छै से, तऽ एहिठाम जे छै से एहन अवस्था में नहीं रह के ओहि सब जगह में विकल्प में देबऽ के चाही। अहाँ सब मेडिकल सुपरिंटेंडेंट से बात केलिए? बात केलिए। की कहलत है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट? अखन एहिठाम के जामुन सिंह जी छथिन। नहीं नहीं, अखन फोकल पर्सन, नियमित मेडिकल पर्सन, नियमित में छथिन, उनको से बात के हम सब वार्ड सदस्य वार्ड अध्यक्ष के लगाए टीम में जाकर बात के लिए, बात कला के बाद में से वो कहलखिन जे एसीएनएन के प्रदेश के निर्णय छै, है ना, ओ निर्णय के हम सब तो काट नहीं सकै छी, है ना, हमरा से तो कानून करऽ पड़त, कर्मचारी छी, तै अहाँ सब प्रदेश के मतलब अथी धोखा खटखटाऊ छी से, है ना, वास्तव में ई नीक बात नहीं भेलै, है ना, ई कनी फटकी में होबक चाही, है ना, ई छी से बात। तो की कहला डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब तो है जे मतलब प्रदेश के अहाँ सब अथी करू। ककरा प्रदेश के? प्रदेश सरकार के छी से। प्रदेश सरकार निर्णय केने छी? हाँ, निर्णय केने छै, तऽ प्रदेश सरकार के अहाँ सब जे छी से अथी करू। कोरोना अस्पताल बनू कि नहीं बनू? नहीं बनू, निश्चित रूप से बनू, नहीं बनू के पक्ष में हम सब नहीं छी,
लेकिन एक विकल्प खोज के हम सब दूटा दिलिये ओहू में मतलब छह हॉस्पिटल के भीतर में विकल्प कत कत कहलिए एक कहलिए सबसे पहले तो हॉस्पिटल के भीतर में तीन महल बिल्डिंग है ओहू में व्यवस्था कर सकते हैं आइसोलेशन वार्ड आइसोलेशन वार्ड के सारा सुविधा है मैं बिल्डिंग अखन नया बनल है ना यदि चाहे डॉक्टर सब तो ओहूठाम मतलब राख सकते लेकिन डॉक्टर सब एक अपना अथी से पंछा करे है ना दोसर ठाम राखि रहा है ना दोसर विकल्प मणिपाल है अहाँ के तेसर विकल्प से सिक्स लाइन के बगल में अर्जुन सिंह के इंजीनियरिंग कॉलेज है सिक्स लाइन बसैया से एम्हरे बहुत एम्हर है ना उतर से जैसे घर द्वार नहीं है ना फटकी है वही साइड में ऐसी से ओहन टाइप में ऐसी से देवक चाहिए हमारे मांग घना बस्ती छोड़ी करीब करीब 20 लाख मान छे हम जी बीमारी बाट ग्रसित छ रमला लाख से करीब करीब 1.25 लाख 1.5 लाख जी मान छे को सगारोहण भई सके मेरो नाम अभयकांत ठाकुर म यही वार्ड को एउटा साधारण वडावासी हुँ हैन तपाईहरुले विरोध किन गर्नुभएको खोल्नु त राम्रो कुरा हो नि त नै विरोध खोल्नु राम्रो कुरा हो तर यहाँ कुरा के छ भने कि यो चाहिँ प्रादेशिक अस्पताल यो वडा नम्बर 10 को बीचमा छ र यो वडा नम्बर 10 जनकपुर को मुटु हो हृदय हो यहाँ चारैतिरबाट तपाईको यो बीच सेन्टरमा पर्छ 10 नम्बर वडा यहाँ दुईजना को चारजना को जान बचाउन को लागि तपाईको व्यवस्थित रूप में होइन त्यो एउटा तपाईको झाडा टार्ने प्रवृत्ति ले मैले हेरेको कि यो चाहिँ नर्सिङ क्वार्टर में तपाईको 10 वटा बेड राखेर 50 वटा बेड राखेर यसमा चाहिँ तात्कालिक इलाज गर्ने भनेर डाक्टर साहबहरुले भन्नुभयो हामीलाई म यो भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो दवाई यो रोगको तपाईको दवाई विश्वमा कहीँ पनि छैन बनेकै छैन त्यो जनतालाई पनि थाहा छ तर प्रदेश को सरकार ने हामीलाई अहिलेसम्म आश्वस्त गर्न सकेको छैन कि प्रदेश स्तरबाट यो देश यो प्रदेश नम्बर 2 मा कुन मशीन रो त्यो बिमारी जाँच्ने मशीन हामीसँग कति छ त्यसमा डाक्टरहरु चाहिँ विशेषज्ञ हामीसँग यति छ यसमा पारा मेडिकल स्टाफ हामीसँग यति छ नर्सिङ स्टाफहरु हामीसँग यति छ र यो तपाईले आश्वस्त पार्नुस् त जनतालाई कि हामीले यो तयारी गरेका छौँ हामीसँग यो पब्लिक छ मेरो भनाइ के छ भने यदि तपाईँ बाहिर ठाउँ हुँदा हुँदै जसरी मणिपाल अस्पतालमा हामीले सुनेको पहिले टिम गएको थियो खटेर त्यहाँ चाहिँ अब के भयो भएन त्यहाँ त त्यति घना बस्ती छैन त त्यो ठाउँमा चाहिँ गरे हुन्थ्यो एउटा बसहियामा अर्जुन सिंह डाक्टर साहबको अस्पताल इन्जिनियरिङ क्याम्पस छ त्यहाँ चाहिँ 12 बिघाको कम्पाउन्ड छ त्यसमा चाहिँ दुनियाँभरको घर छ दुनियाँभरको आवास बनेको छ त त्यहाँ आबादी छैन त्यहाँ गरे हुन्थ्यो यो जनताको बिचमा आएर यो तपाईँको दुईजनाको जान बचिन्छ कि बस्दैन तर चाहिँ यहाँ पुरै जनता मर्ने सम्भावना म हेरिरहेको छु वडा अध्यक्ष छथि मिथिलेश कर्णजी वार्ड नम्बर 10 के की भेले है एहिठमा की बात आबि रहल छै जनता सब अपने डॉक्टर साहब सँग की गप सब भेलै की छै की निर्णय भेल की सब भेलै अखन तलमे से कहल जाय जनता सबके इहे एकटा मांग छै जे एहिठम एकटा कोन किसिम से एकरा सुरक्षित राखल जाय मतलब अथी कयल जाय जे हमहू सब बची आ बचाबी डॉक्टर साहब लग हम सब गेल रही कोन डॉक्टर साहब लग मेसू जे निमित मेसू जे छथि जामुन शाह जामुन सिंह हाँ जामुन सिंह हुनका लग गेल रही ओ कहलखिन जे हम सब बहुत प्रयास में छी एकटा प्रदेश सरकार से हमरा दबाबो अछि जे जतेक जल्दी होय ओकरा बनाबी अथी करी आ जब मतलब इहो अछि जे मतलब एकरा केना सुरक्षित राखब कोन किसिम से सुरक्षित राखब से मतलब ओ कहला तऽ की कहलथि ओ या बात जे एना एना सुरक्षित छथि कहि कऽ मतलब राखऽ के प्रयास हम करबै अथी करबे अपने की चाहै छी हम एकटा ई चाहै छी जे जनता के एहि रोग सँ जे अखन पूरे रोग के एक निदान होय चेकअप होय ई नहीं कह रहल छी जे एकरा अथी होय लेकिन केना सुरक्षित भ के होय एहिठमन होय कि नहीं होय एहिठम होय कि नहीं होय से अवस्था के सृजना अगर बस्ती अगर जो पड़े छै बस्ती में नकारात्मक शब्द जेतै तऽ एकरा दोसर प्रयास कयल जाय आर नहि अगर नहि पड़तै तऽ जनता के एकटा बुझा सुझा के कह पड़लै नहि जे ई किसिम के अवस्था छै एकरा नहि अति नकारात्मक जेतै से बात धन्यवाद सर धन्यवाद।
सुशील जी किया विरोध कर रहल छी अहाँ सब, समाधान की दऽ रहल छी? देखियौ, आइ हॉस्पिटल के विरोध नहीं भ रहल छै, विरोध भ रहल छै एहिठाम के जे स्थिति छै, प्रदेश सरकार और स्थानीय निकाय के जे स्थानीय प्रशासन सब के जे मनोस्थिति छै बुझनाय ओ जरूरी छै। जत समस्या समाधान के लेल विकल्प नहीं रहते तकर बाद अगर एहिठाम बनेतै तो समस्या ओतय नहीं छलै, लेकिन विकल्प रहित काल भी एहि तरह से घना बस्ती में आबि के बननाय कतौ न कतौ एकटा संकुचित मानसिकता देखा रहल छै। विकल्प के रूप में अर्जुन सिंह जी अहाँ के बजाबते बसैया के इंजीनियरिंग कॉलेज के घोषणा केने छै, बजाबते घोषणा केने छथिन, सोशल मीडिया से लगे बहुत राशि मीडिया में अलै जे ओहिठाम अहाँ के 4-5 बीघा के प्लॉट में ओकर बिल्डिंग बनल छै, चारू साइड से ओकरा ग्राउंड छै, खुला बस्ती छै, अथी खुला ग्राउंड सब छै, खेत पथार सब छै, ओहिठाम राखल जा सके। जतय बुझि रहल छी कि एकर प्रभाव चीन से लऽ कऽ संसार भरि ओकर पीड़ित लोक निकलि रहल छै, ओहन तरह में एहि तरह से मतलब एकटा घाना बस्ती में क्वारंटाइन के रखनाइ कतौ आइसोलेशन के रखनाइ कतौ कतौ निंदनीय छै। दोसर विकल्प के रूप में मणिपाल छै, राज्य सरकार अखन जे किछु लगानी लगा के चाहती तऽ मणिपाल के एकटा व्यवस्थित करल जा सकै छलै, चारू साइड से ओकरो खुला मैदान सब छै, घना बस्ती नहि छै तऽ ओकरो व्यवस्थापन करल जा सकै छलै, मगर से नहि कऽ कऽ एहिठाम घना बस्ती मे ला कऽ एकटा संकुचित मानसिकता के पारदर्शिता कऽ रहल छै, तकर सिवा किछु नहि छै। हमसब सरकार से आग्रह करै छी, एहिमे विरोध नहि छै, देखियौ कोनो भी तरह से विरोध नहि छै, आग्रह छै कि अहाँके विकल्प नहि रहै तऽ एहिठाम रखतिए। जखन इंजीनियरिंग कॉलेज के अर्जुन सिंह घोषणा कऽ चुकल यऽ ओहिठाम व्यापक जगह सब छै, मणिपाल अहाँके सामने मे जगह यऽ, आ तकर बादो अहाँके संकुचित मानसिकता के आधार बना के अहाँ एहिठाम घना बस्ती मे ला रहल छै, ताहि के लऽ कऽ लोक के मतभिन्नता छै। बुझनाइ जरूरी छलैए जे अगर एकर संक्रमण बढ़तै, संक्रमण रोकऽ के लेल ने हॉटस्पॉट बनल छै कि ओहि मोहल्ला के आदमी कोनो दोसर मोहल्ला मे नहि जाय, कोरोना लागल कोनो मोहल्ला प्रमाणित होइ छै तऽ ओकरा हॉटस्पॉट घोषणा करै छै, केना करै छै जे ओहि मोहल्ला के लोक दोसर मोहल्ला मे नहि जाय आ दोसर मोहल्ला के लोक ओहि मोहल्ला मे नहि जाय जे ओकरा नहि लागे, मगर कतौ के भी ला के आइसोलेशन एहिठाम राखि देनाय, ऑलरेडी कोरोना के प्रभावित लोक सब संक्रमित लोक सब एहिठाम हेतै तऽ एहिठाम के मोहल्ला के लोक कतौ जाऊ, बुझ पड़लै ने सरकार के, मगर से नहि बुझि कऽ एकटा एहिठाम केन्द्रित करनाय एकटा अपने आप मे निंदनीय छै, दुर्भाग्यपूर्ण छै। सरकार के अखनो एहि निर्णय के सचाबऽ पड़लै, वास्तव मे जे विकल्प सब छै तऽ विकल्प पर ध्यान देबऽ पड़लै, न कि जेना देखियौ अखन दोसर दुर्भाग्य की छै कि मशीन अबै छै जनकपुर के लेल तऽ प्रदेश सरकार लऽ जाइ छै वीरगंज, टेस्ट ओहिठाम करतै आ ट्रीटमेंट एहिठाम करतै, ई मानसिकता की देखा रहल छै कि एहिठाम चेक होयवला मशीन वीरगंज जाय, मगर वीरगंज के प्रभावित जे संक्रमित हेतै से जनकपुर मे इलाज कराबै, तऽ जनकपुरे भरपाई किया तिहर इलाज तऽ ओतो ओकरा नारायणी अस्पताल के तऽ कोरोना कोविड स्पेशल डेडिकेटेड अस्पताल तक, लेकिन नेशनल मेडिकल कॉलेज में तो लग गेलै सेहो बात बुझने आबे, ओहिठाम तो विरोध केलकै न स्थानीय तऽ किया लग गेलै, मानि के चलू नारायणी अंचल अस्पताल में राखल वाला चीज नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल में केला लग गेलै, तऽ नेशनल मेडिकल हॉस्पिटल के चारू साइड खुला मैदान सब छै, घना बस्ती नहि छै, नारायणी अंचल अस्पताल के चारू साइड घना बस्ती छलैए, तऽ जखन ओहिठाम अगर मानि के चलू मानसिकता से गुजरि सकैए तऽ एहिठाम के हमरा सबके जानकारी आयल के अनुसार सँ नेशनल मेडिकल कॉलेज में सरकार विकल्प के रूप में तो लेलकै ने, औठाम तो विकल्प के रूप में लो जा सकै छलै, सिटी हॉस्पिटल के लो जाके बात भ रहल छै, औठाम तो विकल्प के रूप में छलै, विकल्प नहि रहितै तऽ अहाँ एहिठाम रहितै तऽ लोक ओते नहि चासो रहितै, मगर विकल्प रहित रहित मे भी तकर बाद अहाँ एकटा टारगेट कऽ कऽ जनकपुर के एकटा टारगेट कऽ कऽ जनकपुर के एक 10 नंबर वार्ड मात्र नहि समग्र जनकपुर के टारगेट छै, जनकपुर मे अस्पताल होइ छै तऽ नीक बात छै, हाँ तऽ जनकपुर मे होय लेकिन जगह छै ने यौ, ओहि जगह के मतलब नहि राखल जाय, मणिपाल जे मतलब सालो से अल्पत्र पड़ल छै, करोड़ो लगानी लगा कऽ ओकरा एहि समय मे व्यवस्थापन करल जा सकै छलै, लेकिन करल जा सकै छलै, मगर से व्यवस्थापन नहि कऽ कऽ एहिठाम बनल बनायल एकटा नहि कहै छै, बनल रोटी के खाना आसान छै, अहाँ मेहनत किछु नहि करऽ चाहबै, परिश्रम किछु नहि करऽ चाहबै, खाली भ्रष्टाचार मे निप्त रहऽ चाहबै आ किछु लगानी लागै वाला जगह पर ओकरा माइनस कऽ कऽ चाहबै कि बनल बनायल जगह पर कोनो मोहल्ला मे संक्रमण फैल जाइ छै मानसिकता से जेबै तऽ लोक की करतै ओकरा। धन्यवाद। निर्माण भऽ रहल आइसोलेशन के हिनका सबके कथन अनुसार अखन तऽ डॉक्टर साहब भेटघाट नहि भेल हमरा सबके, ई छै नर्सिंग कैंपस, ओहिठाम बना रहल छै, आइ ई रोड छै पछामे रोड छै, एहि रोड के भेला कारण से किया बना रहल छै, ठोक ठाक कऽ रहल छै, 16 feet के छात्रावासी
सब काज कर रहा है प्रादेशिक अस्पताल ने पैला देखि नहीं आइसोलेसन चलाइ आइसोलेसन चलि आइसी में अब नेपाल सरकार ने चाहिए पैला इमर्जेन्सी सर्विस मात्र चालू थी अब इमर्जेन्सी इसेन्सियल सर्विस दुईटे चलाउनु पर्ने भयो हस्पिटल को जो सर्विस चलि तो कम्प्लेक्स भन्दा अलग टाढ़ा अस्पतालकै कुनै कम्प्लेक्स में आइसोलेसन राख्नु भनेर त्यस्तो किसिमको प्रावधानहरु आएकोले केन्द्र सरकार को निर्णय अनुसार राजविराज अस्पताललाई लेभल 1 को लागि जानकी मेडिकल कलेज लेभल 1 को लागि अनि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर लेभल 2 र नारायणी अस्पताल लेभल 2 कोभिड यो दुईटा लेभल 2 भनेको आईसीयू सहितको एकदमै कठिन केसहरु पनि म्यानेज गर्नुपर्ने कोभिडको जिम्मेवारी पाएकोले र त्यसको निर्माण गरिकन तुरुन्त हामीलाई जानकारी गराउने भनेर केन्द्र सरकारको निर्णय भएको कहिले कहिले यो निर्णय कहिले भयो निर्णय केन्द्र सरकारको निर्णय भएको आज 3 दिन पूरा भयो 3 दिन पूरा भयो अनि केन्द्र सरकारको निर्णय भइसकेपछि प्रदेश सरकारले सोही दिन हामीलाई चाहिँ यसो यसो निर्णय भएको छ र प्रदेश सरकारले चाहिँ नर्सिङ क्याम्पसमा को हाताभित्र चाहिँ नर्सिङ क्याम्पसको बिल्डिङ खाली गराइकन त्यसमा चाहिँ कोभिडको वार्ड सञ्चालन गर्न आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन गर्न हामीले जिम्मेवारी दियो कतिवटा बेड अहिले हामीले 50 बेडको लक्ष्य लिएर हिँडेका छौँ र कोभिडको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ एउटा बेड र अर्को बेडको बिचको डिस्टेन्स जुन हुन्छ त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने भएकोले 50 बेडको टार्गेट हामीले लिएका छौँ नापेर राख्दैछौँ अहिले बेडहरू सेट गर्दैछौँ बेडहरू अब अहिले हस्पिटलमा चाहिँ अब धेरै कुराहरू हुन्छ जस्तो कि प्लम्बिङको हात हुने कुराहरू सबै ठाउँमा हुनु पऱ्यो त्यस्तै एसी हुनु पऱ्यो बाहिर मैले हावा नखोल्ने भए झ्याल नखोल्ने भएपछि एसी लगाउनु पऱ्यो त्यसपछि चाहिँ सिसिटिभी क्यामेरा हरेक रुममा हुनु पऱ्यो किनभने म्याक्सिमम् काम हामीले सिसिटिभी क्यामेराबाट नै गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो सँगसँगै इलेक्ट्रिसिटी पनि त्यही हिसाबले प्लानिङ गर्नु पऱ्यो प्लम्बिङ हरेक डिपार्टमेन्ट हामीले हस्पिटलमा चाहिने हरेक डिपार्टमेन्टलाई एक्टिभेट गरेर काम सुरु गरिसकेका छौँ अक्सिजनको पोइन्टहरू छ कि अक्सिजन पनि सबै अक्सिजन पनि समेत त्यसैमा अक्सिजन पाइपलाइन भ्याकुम पाइपलाइन सम्पूर्ण कामहरू सुरु भइसकेको छ डक्टर विरोध भइरहेको छ स्थानीयवासीले विरोध गर्नु विरोध गरिरहेको छ त्यो एकदमै स्वाभाविक हो खरिपाटीमा पनि आइसोलेसन राख्दाखेरि त्यहाँ विरोध भएको थियो क्वारेन्टाइन राख्दाखेरि अनि त्यसपछि टेकु हस्पिटलले चलाउन खोज्दाखेरि पनि त्यहाँ पटक पटक पहिला पनि विरोध नभएको होइन तर टेकु हस्पिटलमा चाहिँ अब धेरै पटक चलाइसकेकोले बर्ड फ्लू स्वाइन फ्लूहरूको म्यानेजमेन्ट गरिसकेकोले अहिले जनताले बिस्तारै बुझिसकेका छन् यसबाट धेरै असर हुँदैन भनेर अनि अस्ति नै उता मलेसियाबाट आएका मलेसियनहरू के अरे जमातबाट आएका मलेसियनहरूलाई राख्दा काठमाडौँमा पनि 4-5 ठाउँमा विरोध भएर सरकारले नोटिस नै नदिकन राख्नुपर्ने अवस्था आएको यो विरोधलाई हामीले स्वाभाविक रूपमै लिएका छौँ र पब्लिकलाई सुरक्षा होस् भनेर हामीले सकेसम्म जति म्याक्सिमम् कोसिसहरू हुन्छ त्यो चाहिँ गर्दैछौँ अनि के हुन्छ डाक्टर साहब पब्लिकलाई त्यो कति डिस्टेन्स सुरक्षित कसरी राख्न सकिन्छ अब जस्तो कि हामीले पब्लिकतिर खोलेको जति झ्यालहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले एयर सिल गरेर टाइट गर्दैछौँ र पब्लिकतिरको झ्याल खोल्ने हामीले गर्दैनौँ सकेसम्म पुरै अस्पतालकै झ्याल चाहिँ सिल गरेर एयर कन्डिसन बनाउन गइरहेका छौँ एयर कन्डिसन भयो भने डाइरेक्ट एयर फ्लो उनीहरूसँग हुँदैन त्यो एउटा भयो त्यसपछि चाहिँ स्प्रे भयो अब त्यो सडकको स्प्रे गर्ने होइन हामीले कमसेकम 3-4 मिटरको डिस्टेन्ससम्म त कुनै मान्छे नै नहोस् भन्ने चाहन्छौँ मैले वार्ड अध्यक्षसँग कुरा गरेर त्यो रोड जुन छ नि त्यो रोडलाई पनि जसरी अहिले तपाईँले भिडियोमा देख्नुभयो होला दिल्लीहरूमा कहाँ कहाँ रोडलाई सेनिटाइज डेली गरिरहेको छ त्यसरी नै त्यो रोडलाई पनि वार्ड अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ सेनिटाइजेसनको लागि मैले सहयोग गर्छु र केमिकलहरूको नाम पनि लेखेर दिएको छु र त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यो रोड सेनिटाइजन गरिदिनु होला अनि त्यहाँको एकदमै नजिक रहेको दुईवटा घर छ हामीलाई चिन्ता लागेको अनि त्यो दुईवटा घरलाई चाहिँ एउटाको गेट पुरोपट्टि खोल्न मिल्ने खालको छ उहाँलाई पनि भेटेर पुरोपट्टिको गेट सञ्चालन गर्न यताको गेट बन्द गर्नलाई हामीले भनेका छौँ विशेष सुरक्षाको लागि र त्यहाँ पर्दाहरू कहाँ लगाउने कसरी राख्ने भनेर हामीले उहाँहरूलाई जानकारी गराइसकेका छौँ र उहाँहरूले पनि कोअपरेटै गर्नुभएको छ विरोध स्वभाव नै हो तपाईँ जनतालाई चित्त बुझाउनु पऱ्यो नि डक्टर साहब गएर तपाईँहरूले अब त्यो सम्भव छैन जनतालाई हामीले चित्त बुझाउने सम्भव छैन त्यो त राज्यको जिम्मेवारी हो र राज्यको पक्षले जनतालाई चित्त बुझाउँछौँ तर तपाईँ त एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् उहाँहरूले के भन्छ विकल्प छ थियो मणिपाल एउटा चौरीमा थियो मणिपाल मेडिकल कलेज थियो त्यो निर्माणाधीन थियो त्यो त्यहाँ बसैयाम कुन इन्जिनियरिङ कलेज छ त्यो चौरीमा घना बस्तीमा नभएको विकल्प हुँदा हुँदै प्रदेश अस्पतालले किन रोज्यो त्यहाँ यहाँ आफ्नै यहाँ यत्रो नयाँ भवन छ त्यसैमा किन राखेन यो चाहिँ यो कम्प्लेक्स त अब जेनरल हस्पिटल भएको कारणले यो कम्प्लेक्समा त चलाउने कुरै भएन किनभने यो गाइडलाइनले मिल्दैन अनि जुन प्रदेश अस्पतालको परिधि बाहिरको कुरा हो त्यसमा प्रदेश अस्पतालको कुनै पनि कर्मचारीले जवाफ दिनै सक्दैन
कहाँ बनाउने भनेर र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो आइसोलेसन अहिले हामीले 50 बेडको बनाइरहेछौँ जुन चाहिँ उठको मुखमा जिरा हो एउटा हामीले जतिखेर 50 बेड भर्छ नि त्यतिखेर यो मानिहाल्नु होला कि मलाई 500-1000 बेड भर्नलाई एक हप्ता लाग्छ र त्यतिखेर त्यो मणिपाल पनि त्यो तपाईँको घरको अगाडिको प्राइभेट हस्पिटल पनि तपाईँको घरको साइडको होटेल पनि सबै हाम्रो अन्डरमा आउँछ र जतिसुकै विरोध गरे पनि आखिर पब्लिक त जनकपुरकै आउँछ पब्लिक मानव जनकपुर पब्लिकमा कहाँ राख्छु त्यही भएर चाहिँ कि घरमा बिरामी पर्ने कि अस्पतालमा बिरामी पर्ने त्यही भएर यसमा विरोधभन्दा पनि सचेत हुने जरुरी छ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु र अस्पतालभन्दा बाहिरको निर्णयहरूको लागि चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमै गएर यो चाहिँ केन्द्र सरकारले सङ्घ सरकारले निर्णय गरेको र प्रदेश सरकारले पालना गरेको पालना गरेको धन्यवाद सर।